गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे सम स्पेशल्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन केसीएल एंड केवीएल। ओके, देखो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। तो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन का ए पार्ट है, वन का ए पार्ट है और इसमें हमें ए और बी के बीच में, ठीक है ना, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको बताया था और कुछ वहाँ पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। तो उसका तरीका क्या था कि केवीएल जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है, जैसा कि हमें ए और बी के बीच में, यहाँ पर ये 10 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टेंस अटैच किया गया है 10 ओम का सीरीज में और सेकंड बैटरी है 20 वोल्ट की। तो प्यारे बच्चों मैंने बताया था, देखो करंट ये फ्लो है, करंट 1 एम्पियर का करंट है। तो सबसे पहले तो ये करेंगे आप कि जो करंट है ब्रांच में, चाहे वो ओपन ब्रांच हो चाहे वो क्लोज्ड ब्रांच हो, सबसे पहले उस करंट को चिपका देंगे आप किसके ऊपर, रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट है, तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट है वो ए टू बी है, इसलिए ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, और जो बैटरी का बड़ा टर्मिनल वो हाई पोटेंशियल पे होता है और छोटा लो पे, हमेशा ये हाई पे ये लो पे। ओके, अब इजीली केवीएल अप्लाई करेंगे फ्रॉम ए टू बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, तो हम राइट करेंगे वी ए माइनस वी बी अब इक्वल टू, बैटरी इज ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, हम ए से चलना शुरू करेंगे, ए से किसकी तरफ चलेंगे, बी बी, वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड टर्मिनेट एट पॉइंट बी, बी पे स्टॉप हो जाना है बच्चों। तो ए से चले, पहला साइन पॉजिटिव मिला बैटरी का, तो ये वोल्ट हमें मिले पॉजिटिव। ओके, फिर हमें रेजिस्टेंस का पहला साइन पॉजिटिव मिला, तो ये पॉजिटिव, और वोल्टेज कितने मिले, 10 ओम इंटू 1, 10 इंटू 1, क्यों, वोल्टेज क्या होते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फिर हम चले तो 20 वोल्ट हमें पॉजिटिव, फर्स्ट टर्मिनल का साइन देखना है, पहले जो भी टर्मिनल हुआ प्लस का है तो प्लस 20, और पहुंच गए स्टॉप हो गए बी पर, तो ये हमारे टोटल वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएंगे बच्चों, वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस 10, 20, 40 वोल्ट। ये एक इतना इजी मेथड होता है, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट गिवन है बच्चों और ये बी पॉइंट गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है वी ए माइनस वी बी। तो इसके लिए मैंने क्या बात बताई, क्वेश्चन नंबर वन का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके लिए मैंने बताया कि सबसे पहले ब्रांच में करंट कैलकुलेट करेंगे, तो इस ब्रांच में करंट है 2 एम्पियर, तो यहाँ पर 2 एम्पियर के करंट को चिपका देंगे, ठीक है ना, और ये डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हो गया हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये 2 एम्पियर का करंट, ठीक है, ये निगेटिव हो गया टर्मिनल, ये पॉजिटिव, यहाँ भी कितना आएगा ये करंट, 2 एम्पियर का ही आएगा, है ना, तो ये 2 एम्पियर का करंट इस रेजिस्टेंस पे भी हम चिपका देंगे। ओके, क्लियर। अब देखो बच्चों, इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं गिवन है, तो इस ब्रांच के लिए हम करंट कैलकुलेट करेंगे कैसे, केसीएल जंक्शन लो लगा करके, ये जंक्शन है, यहाँ पर करंट कितना आ रहा है, 2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पर इस जंक्शन से करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पियर, और इस जंक्शन से कितना है, 3 एम्पियर। इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से करंट यहाँ गया, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ, तो ये टोटल कितना है, हो गया 4, तो यहाँ पे करंट होगा 4 एम्पियर। क्लियर।
अब यहां पर ये करंट है 4 एम्पियर, ये यहां से आया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर यहां से आया, यहां पे गया 4 एम्पियर, तो इधर से कितना करंट आया होगा बच्चों, इधर से करंट आया होगा कितना, 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, यहां से 2 एम्पियर, तब जाकर के इस ब्रांच में कितना करंट पहुंचा, 4 एम्पियर। तो सबसे पहले केसीएल से भी हम अगर किसी ब्रांच में कैल आपका इलेक्ट्रिक करंट मिसिंग है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब सभी ब्रांच में करंट भी पता चल गया हमें, VA माइनस VB निकालना है, तो स्टार्ट करेंगे अपने मोशन को A से और स्टॉप करेंगे B पर। A से शुरू करें तो A से शुरू करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 × 2 = 8, वोल्टेज हमें मिले 2 × 4 और पहला साइन पॉजिटिव मिला तो पॉजिटिव रख दिया यहाँ पे साइन प्लस। इसके बाद फर्स्ट टर्मिनल हमें मिला नेगेटिव माइनस का 3 वोल्ट, फिर उसके बाद यानी कि ये लेफ्ट टू राइट है तो ये प्लस है ये माइनस, करंट ऐसे जा रहा है हाई पोटेंशियल टू लो, तो फर्स्ट टर्मिनल का साइन ठीक है यहाँ पर पॉजिटिव, 2 × 2 × 2, फिर हम यहाँ पहुंचे क्योंकि यहाँ पर इस रेजिस्टेंस में करंट क्या है नीचे से ऊपर की तरफ, तो ये प्लस ये माइनस, तो हम पहुंचे इस तरफ, ये है डायरेक्शन हमें बी पे आना है, तो माइनस फर्स्ट साइन मिला हमें नेगेटिव, तो यहाँ रखेंगे नेगेटिव, करंट और रेजिस्टेंस की प्रोडक्ट लेंगे 2 × 1, स्टॉप हो जाएंगे, ए और बी के बीच हमें पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा कितना आया, इसको कैलकुलेट कर लो, 4 × 2 = 8 माइनस 3 + 4 माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 3 माइनस 5 12 माइनस 5, तो बच्चों 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 वोल्ट, ये आंसर मिल जाएगा 7 वोल्ट, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, फाइंड द पोटेंशियल एट पी, पी पर पोटेंशियल निकालना है, पी पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ठीक है, और ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट आपको दिया गया है, तो सबसे पहले हम करंट को कैलकुलेट करेंगे इसमें, किसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे बच्चों, करंट को। अब करंट को कैसे कैलकुलेट करें क्वेश्चन नंबर 2, देखो सबसे पहले अगर करंट नहीं गिवन है और मल्टीपल बैटरी दी गई है प्यारे बच्चों है ना, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी बैटरी है ना क्लॉकवाइज करंट सप्लाई कर रही है और कौन सी बैटरी एंटी क्लॉकवाइज करंट सप्लाई कर रही है। मैंने बताया था हमेशा करंट की डायरेक्शन अगर नहीं पता हो तो करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा, तो डायरेक्शन कैसी होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये कैसा करंट हो गया, 10 वोल्ट की बैटरी किस डायरेक्शन में करंट दे रही है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बैटरी किस डायरेक्शन में करंट दे रही है देखो बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, और ये बैटरी नेगेटिव से करंट ऐसे चलेगा नेगेटिव में एंटर करेगा पॉजिटिव से निकलेगा, ये कैसा करंट दे रही है क्लॉकवाइज, और ये भी कैसा करंट दे रही है बच्चों क्लॉकवाइज, क्लियर हो गई है ना, तो यहां पर क्लॉकवाइज वोल्टेज कितने हो गए, यानी कि हमें पूरे सर्किट का नेट वोल्टेज पहले निकाल देना निकालना है। अब जो भी वोल्टेज जीत जाएंगे अगर क्लॉकवाइज वोल्टेज जीत जाते हैं, जीत जाने का मतलब क्या है जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज को ऐड कर लो 10 और 30 कितने हो गए 40 वोल्ट, और क्लॉकवाइज कितना हो गया 10 और 20 30 वोल्ट हो गए, तो जीता कौन सा वोल्टेज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जीता कौन सा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज, क्यों टोटल वोल्टेज इसके कितने हो गए 10 और 30 40 और क्लॉकवाइज के वोल्टेज कितने हो गए 10 और 20 30, तो नेट वोल्टेज कितनी मिल गई हमें यहां पर, यहां पर मैं क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन
एंटी क्लॉकवाइज वोल्टेज कितने हैं बच्चों, 10 प्लस कितना 30 यानी कि 40 वोल्ट, एंड क्लॉकवाइज कितने हैं 10 प्लस 20 30 वोल्ट। तो बच्चों नेट वोल्टेज कितने आ गए, वी नेट कितना आ गया, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, वी एंटी क्लॉकवाइज माइनस वी क्लॉकवाइज, तो ये हो गए 40 वोल्ट, 10 और 30 40 वोल्ट, तो ये 40 वोल्ट है, तो 40 माइनस 30 यानी कि 10 वोल्ट। अब आप इजीली करंट देख सकते हैं, I इक्वल टू वी नेट अपॉन आर रेजिस्टेंस, टोटल आर इक्विवेलेंट करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सभी सीरीज में है 5, 3, 8, 2, 10, तो यहां पर वी नेट भी 10 है और आर इक्विवेलेंट भी 10 है, तो यहां पे 1 एम्पीयर करंट है। अब 1 एम्पीयर करंट पूरे लूप में किसके अकॉर्डिंग फ्लो होगा, जो जीता, कौन से वोल्टेज जीते, एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरे लूप में जो करंट बच्चों चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, यानी कि 1 एम्पीयर का करंट अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, दिस डायरेक्शन में 1 एम्पीयर का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब हमें पता चल गया कि जो करंट है अब इसमें वो किस डायरेक्शन में है, 1 एम्पीयर का करंट है, तो यहां पर इस डायरेक्शन में 1 एम्पीयर का करंट चल रहा है। अब 1 एम्पीयर के करंट को हम चिपका देंगे रेजिस्टेंस के पास में, ये 1 एम्पीयर करंट ऐसे चलेगा, यहां 1 एम्पीयर करंट ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ऐसे चलेगा 1 एम्पीयर करंट, ठीक है ना, ऐसे चल रहा है, यहां ये 1 एम्पीयर करंट, ओके। अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑफ P, है ना, P का पोटेंशियल, तो P और दिस पॉइंट, इस पॉइंट को अगर हम अर्थिंग पॉइंट है ये E मान ले, तो हम अर्थ का पोटेंशियल बच्चों कितना होता है 0 वोल्ट। तो अब हम नाउ पोटेंशियल बिटवीन P एंड Q निकाल सकते हैं, VP माइनस VE, स्टार्ट फ्रॉम P एंड स्टॉप एट E। तो अब देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, P से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके E तक आ सकते हैं, या P से डायरेक्ट आप E पे आ सकते हैं, तो जो पाथ आपको छोटा मिलता है उसी पे आप KVL अप्लाई कर सकते हैं। तो P से स्टार्ट करेंगे, कहाँ है P से स्टार्ट करें तो कौन से टर्मिनल पे, नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचे, नेगेटिव का 10 वोल्ट हो गए। फिर हम करंट इसमें किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे 3 इंटू पहला टर्मिनल हम P से चले इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो नेगेटिव टर्मिनल मिला, नेगेटिव के कितने 3 इंटू 1, तो 3 इंटू कितना 1, और फिर ई पे स्टॉप हो गए, तो हमारे यहाँ पर वोल्टेज बच्चों निकल जाते हैं कितने, माइनस 13 वोल्ट, कितने 13 वोल्ट, क्योंकि वी ई 0 है बच्चों, तो पोटेंशियल एट पी कितना मिला हमें, माइनस 13 वोल्ट, क्लियर, माइनस 13 वोल्ट। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको समझ लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिल सकते हैं, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे बच्चों, ये ओपन ब्रांच है, ये ओपन ब्रांच है, ये ओपन ब्रांच है, ये ओपन ब्रांच, इस ओपन ब्रांच से करंट आ रहा 2 एम्पीयर, इससे 1 एम्पीयर, ठीक है, एक कैपेसिटर भी अटैच है, कैलकुलेट करना क्या है, कैलकुलेट एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर व्हिच इज इन स्टडी स्टेट, कैपेसिटर स्टडी स्टेट में। अब इस स्टडी स्टेट का मीनिंग क्या होता है प्यारे बच्चों, पहली बात मैं बताऊं, ये कंडीशन दे भी सकते हो नहीं भी, कैपेसिटर का फंक्शन आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो प्यारे बच्चों कैपेसिटर एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क नहीं करता, क्यों,
क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों, जीरो होती है। तो अगर कैपेसिटर, ठीक है ना, डीसी सर्किट में इन्वॉल्व कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और वो करंट को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है। बट करंट भी बहुत चतुर होती है, करंट हमेशा जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां कम होगी और जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां करंट ज्यादा होगी, ठीक है, ये चतुराई रखती है करंट। ठीक, तो जब अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो कभी करंट उस ब्रांच में एंटर नहीं करेगा। तो याद रख लेना, कैपेसिटर इज ए डीसी ब्लॉकिंग डिवाइस। तो कभी भी करंट, डीसी करंट कैपेसिटर के अंदर एंटर नहीं करता, ध्यान रखो, ठीक है। तो ये भी कहा है विच इज इन स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ओपन सर्किट, इसका मींस क्या है, करंट इस ब्रांच में जिसमें कैपेसिटर अटैच है जीरो हो जाएगा। अब इसको समझ लो प्यारे बच्चों, अगर डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट हमें गिवन है और किसी ब्रांच में आपका कैपेसिटर अटैच है, तो बच्चों कैपेसिटर इज ए डीसी ब्लॉकिंग डिवाइस। कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, एसी को तो पास होने देता है, अल्टरनेटिंग करंट को तो पास होने देता है, बट डीसी को ब्लॉक कर लेता है। डीसी को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, यानी कि डीसी आपका ये एसी को पास होने देता है और डीसी करंट को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। तो ध्यान रखे, 2 एम्पियर का करंट इस ओपन ब्रांच से आ रहा है और 1 एम्पियर का करंट इससे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगा आपका 2 एम्पियर 1 एम्पियर, तो यहाँ हो जाएगा 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर का करंट, इसके लिए दो रास्ते थे, एक ये जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है बट ये करंट इस ब्रांच से पास नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डीसी ब्लॉकिंग डिवाइस है कैपेसिटर, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है और अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट तो वहां जीरो होना ही है, ठीक है। तो करंट बहुत चतुर होती है प्यारे बच्चों, करंट हमेशा पाथ देख के चलती है, क्योंकि करंट के लिए जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल एक कांटेदार झाड़ियों की तरह बिहेव करता है। जैसे हमारे लाइफ में हमें रजिस्टर करने वाला अगर पाथ आ जाए, यानी कि कांटेदार झाड़ी आ जाए, तो कोई भी उस कांटेदार झाड़ियों से गुजरना पसंद नहीं करेगा। सेम बात अप्लाई होती है करंट के ऊपर। तो करंट भी जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां से पास ज्यादा होगा करंट, और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां से करंट कम पास होता है। तो यहां पर कैपेसिटर का डीसी के लिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इसलिए करंट जीरो रहेगा इसमें। टोटल करंट किस ब्रांच से जाएगा, दिस वन ब्रांच। तो यहां पर करंट 2 एम्पियर यहां आएगा, 1 एम्पियर यहां, तो 2 प्लस 1 यानी कि इस ब्रांच में 3 एम्पियर। अब प्यारे बच्चों यहां आ जाते हैं, कुछ करंट यहां निकल गया I3, यहां पर पहुंचा, यहां पर कितना, यहां पर जो करंट है वो I2 दिया गया है, कितना गिवन है, I2 गिवन है, ओके। तो इस ब्रांच में करंट नहीं गिवन, आपको इस ब्रांच में हमें करंट कैलकुलेट करना होगा। कैसे, यहां से इस जंक्शन से करंट, इस जंक्शन से करंट बाहर निकल रहा है, इस जंक्शन पर आ रहा है, ठीक है, और ये I2 भी। तो यहां से, यानी कि मैंने बताया था टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट 1 एम्पियर प्लस I2 है और आउटगोइंग 2 है। तो बच्चों यहां पर I2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आने वाला कितना है, 1 एम्पियर है, और प्लस 1 एम्पियर प्लस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, 2 एम्पियर। तो यहां पर 1 एम्पियर करंट मिल जाता है। अब यहां से देखो, यहां पर आ रहा था 3 एम्पियर, तो इधर चला जाएगा कितना, 2 एम्पियर, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक है।
अब कैलकुलेट करनी थी एनर्जी, तो एनर्जी किसी कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है ये आपको पता होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है बच्चों सी वी स्क्वायर। अब ये वी वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो ये और ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ए मान लेते, इस पॉइंट को हम वी। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना अक्रॉस ए बी। सी हमें पता है 4 माइक्रोफेरेड, तो सी की वैल्यू 4×10⁻⁶। तो यहां पर हम वी ए से स्टार्ट करेंगे, रिस्टॉक करें बी पर, तो वी ए और माइनस वी बी, यानी कि पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो पॉइंट ए और बी के बीच निकाल लो। अब करंट हमें पता चल गया, करंट इसमें कितना है 3 एम्पियर, इसमें भी कितना है करंट 3 एम्पियर, इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। तो ये सीरीज में है रेजिस्टेंस 1 ओम 5 ओम, कितने ओम हो गया, ऐसे हम चले ए से, प्लस का साइन हुआ 5 × 3 = 15, फिर प्लस का साइन आया 1 × 3 = 3, फिर यहाँ पे पहुंच गए। इसमें करंट, इस ब्रांच में करंट ऐसे है, तो ये साइन प्लस और ये साइन माइनस, तो प्लस का मिला प्लस कितना 2 × 1 = 2, तो बी पर पहुंच गए स्टॉक। तो 15 और 5 ये हो गए, तो 20 वोल्ट मिल गया प्यारे बच्चों, कितना मिल गया 20 वोल्ट। इसको मैं साफ कर देता हूँ, 20 वोल्ट आ गया है ना। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करो, है ना। सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हाफ वी, वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पोटेंशियल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना सी, सी की वैल्यू रखो 4 है × 10⁻⁶, और ये ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी है, हमने लेट कर लिया, और ये 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से 2 ये आ जाएगा 2 × 400 × 10⁻⁶, 4×8 × 10⁻⁴ जूल, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है प्यारे बच्चों, ओके। अब डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केसीएल एंड केवीएल, ओके, फॉर ए क्लोज्ड लूप। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस और 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये सभी रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 10 वोल्ट की बैटरी के साथ। सेकंड बैटरी है 2 वोल्ट की, जिसमें हमें करंट कैलकुलेट करना है, और थर्ड बैटरी है 5 वोल्ट की, जिसमें कनेक्टेड किया गया है 6 ओम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर 2 लूप है, तो सबसे पहले KCL की हेल्प से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन ईच ब्रांच। तो हम सॉल्यूशन क्या होगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप कंप्रेस करेंगे किसको, सीरीज रेजिस्टेंस को। एक ब्रांच में अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस आते हैं तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम ब्रांच में कितना मिल जाएगा हमें बच्चों, कितना 5 ओम, 2 ओम 2 ओम और 1 ओम, ओके क्लियर। और ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये कितनी थी 10 वोल्ट की बैटरी, ये रिड्यूस सर्किट हम बना लेंगे इसका, ये कितना है 6 ओम और ये बैटरी है 5 ओम। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इन ईच ब्रांच, इसमें करंट हमें कैलकुलेट करना है 2 वोल्ट की बैटरी में, यहां से 10 वोल्ट की बैटरी, यानी कि बड़ी बैटरी से करंट की सप्लाई दो, हमेशा याद रखें जो भी ब्रांच में बड़ी बैटरी है वहां से सप्लाई दो बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से हम सप्लाई देंगे करंट निगेटिव एंटर में, निगेटिव करंट निगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा और पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू ले लेते हैं I1, तो ये जाएगा,
यहाँ पे करंट आएगा I और यहाँ पे करंट आएगा कितना I1, तो इस ब्रांच में 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट हमें बच्चों मिल जाएगा I1 प्लस I, ये करंट ठीक है लेफ्ट टू राइट, ठीक है करंट की डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, तो प्लस माइनस और प्लस और ये माइनस यहाँ, ठीक है करंट है ना हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर ये लूप वन बना और ये लूप सेकंड, तो यहां पर इस लूप में केवीएल अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप वन। केवीएल क्या है? सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, अल्जेब्रिक सम जीरो होता है। और अब देखो यहां इस पॉइंट से अगर हम चलेंगे, तो इस पॉइंट से चलेंगे यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव फर्स्ट टर्मिनल आया पॉजिटिव, तो प्लस के 2 वोल्ट, फिर यहाँ घूम के प्लस आया 5 इंटू आई वन। अब यहाँ पे आ गए निगेटिव 10 और फिर जहां से चले थे वहीं पे आ गए इक्वल टू जीरो, इक्वल टू मिल गया प्यारे बच्चों हमें जीरो। यहां पर हमें क्या मिला 2 वोल्ट, फिर प्लस कितना आई वन 5 I1, माइनस का कितना 10। क्लियर ये चीजें? तो यहां पर करंट की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं हम, यहां से कितनी आ जाएगी 5 I1 माइनस 8, दूसरी साइड जाएगा प्लस 8, तो I1 हमें मिल जाता है 8/5 एम्पियर। क्लियर? अब अप्लाई करेंगे अप्लाई केवीएल फॉर लूप सेकंड। सेकंड के लिए यहां से चले हम प्लस 6 I1 प्लस I, ओके फिर प्लस पे पहुंचे प्लस 5 और फिर माइनस पे माइनस कितना 2 इक्वल टू जीरो, ओके। अब I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके बच्चों 8/5, ओके तो ये 6 × 8/5 प्लस I, यहाँ पर 3 आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू जीरो, 3 से रिड्यूस कर दो 3 2 जा और 3 1 जा, तो ये मिला हमें 2 8 जा 16/5 प्लस 2I इक्वल टू माइनस। अब 2i की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, 2i इक्वल टू माइनस 1, इसको दूसरी साइड में लेंगे 16/5, तो माइनस 5 16 माइनस 21/5। तो बच्चों यहां से कैलकुलेट होकर के हमें रिजल्ट मिलेगा फाइनल I इक्वल टू माइनस 21/2 से डिवाइड करेंगे 10, यानी कि करंट इज माइनस 2.1 एम्पियर। This is the final answer. ये हमारा final answer हो जाएगा, okay? अब next problem हम discuss करेंगे, second. अब हम discuss करेंगे problem second. Find reading of ammeter A and voltmeter B as shown in figure, assuming the instruments to be ideal. तो प्यारे बच्चों ideal means अगर वोल्ट अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड प्रॉब्लम, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर ए एंड वोल्टमीटर वी एज शोन इन फिगर एस्यूमिंग द इंस्ट्रूमेंट्स टू बी आइडियल। तो प्यारे बच्चों अगर आइडियल है इंस्ट्रूमेंट्स, तो किसके बारे में बात कर रहा है कि वोल्टमीटर है हमारे पास, तो वोल्टमीटर अगर आइडियल है, वोल्टमीटर अगर आइडियल है, तो आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट, यानी कि ये ब्लॉक कर लेगा करंट को, इसलिए करंट कभी भी एंटर नहीं करेगा इसमें, ठीक है ना। किस ब्रांच में एंटर नहीं करेगा, जिसमें वोल्टमीटर कनेक्टेड है, अगर वोल्टमीटर आइडियल है। तो यहां पर इस ब्रांच में करंट की वैल्यू हो जाएगी बच्चों जीरो। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर एमीटर है, तो अगर एमीटर को आइडियल लेते हैं
तो इसका रेजिस्टेंस होता है जीरो और ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। ठीक है, तो यहां पर अब वोल्ट मीटर रीडिंग हमें निकालनी है, तो वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब क्या है, हमें वीपी और क्यूपी का डिफरेंस निकालना है, तो हमें कैलकुलेट करना है वीपी माइनस वीक्यू। क्लियर, ये तो जब इसमें कोई करंट ही नहीं है तो इस ब्रांच को रिमूव कर देंगे हम। ठीक है, तो रेड्यूस सर्किट क्या बनेगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से, रेड्यूस सर्किट क्या बनेगा, यहां पर ये बैटरी है 8 वोल्ट की, ये पी और ये रेजिस्टेंस है, तो रेड्यूस सर्किट हमारा ये मिल जाता है, ये 6 वोल्ट, ये 3 ओम और ये ब्रांच हमने रिमूव कर दी, वोल्ट मीटर वाली ब्रांच। ओके क्लियर, ये 10 ओम क्योंकि इसमें कोई भी करंट नहीं था, जीरो था करंट। अब 12 वोल्ट वाली ब्रांच, ये एमीटर है, नो प्रॉब्लम, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अब सबसे पहले हमें वोल्ट मीटर या एमीटर रीडिंग है ना कैलकुलेट करने के लिए केसीएल अप्लाई करना पड़ेगा, सभी ब्रांचेज में प्रॉपर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। अब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्यारे बच्चों, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बड़े वोल्टेज की बैटरी से कराते हैं, है ना, तो हमेशा पूरे सर्किट में चेक करो कितनी बैटरियां हैं और जिस बैटरी के वोल्टेज सबसे ज्यादा होंगे करंट उसी से हम सप्लाई करेंगे अदर बैटरी में। तो यहाँ करंट मैंने बताया था निगेटिव टर्मिनल में एंटर करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल जाएगा। सपोज इसने एक्स एम्पियर करंट प्रोवाइड कराया, क्लियर, तो जब ये यहाँ पे एक्स आएगा तो यहाँ पे जाएगा सपोज वाई, तो यहाँ कितना बचा करंट, कितना था टोटल, एक्स था, तो वाई यहाँ निकल गया, बचा कितना, एक्स माइनस वाई, ये फिर वाई यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों, ये प्लस ये माइनस। ओके, ये करंट इस तरफ जाएगा, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे आएगा कितना, वाई एम्पियर, एक्स माइनस वाई एम्पियर, या दोनों फिर एक्स हो जाएगा। अब लूप वन है हमारे पास और लूप हमारे पास टू है, क्लियर, ये पॉइंट हमारे पास पी था और ये पॉइंट हमारे पास क्यू है, पी और क्यू के बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी और हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम अप्लाइंग करेंगे केवीएल फॉर लूप, अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप वन। ओके क्लियर, अप्लाई करो, हम दिस पॉइंट से चलेंगे प्यारे बच्चों, माइनस एट, तो ये हो गया कितना, माइनस का 8 निगेटिव, फिर प्लस करंट कितना है वाई, करंट को कहां चिपकाएंगे, रेजिस्टेंस पर, तो ये मिलेगा प्लस 10 वाई, फिर यहां से घूम के यहीं पर आएंगे हम, तो प्लस 6 वोल्ट, प्लस 6 वोल्ट और माइनस मिल जाएगा 3 × एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई करेंगे यहां से माइनस 3x प्लस 3y और ये 13y। ओके, माइनस 8 प्लस माइनस 2 तो इक्वल टू 2, इक्वेशन वन मिल जाएगी लूप वन से। अप्लाइंग केवीएल फॉर लूप सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे, यहां से चलेंगे तो फर्स्ट साइन है पॉजिटिव, 3 × एक्स माइनस वाई, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मिला माइनस 6 वोल्ट, फिर हम आए यहाँ बैटरी का नेगेटिव माइनस का 12 इक्वल टू जीरो, 3 से रेड्यूस कर देंगे, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा, 2 और 4 बच्चे हो गए 6 माइनस के, तो x माइनस y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर टू। दोनों को सोल्व करेंगे कैसे, इक्वेशन टू को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 और ऐड कर देना, 1 प्लस 2 को किससे 3 से, तो क्या मिला हमें, तो माइनस 3x
प्लस 13y इक्वल टू कितना 2 अपॉन में इसको यहां पर 3x से मल्टीप्लाई किया 3y और इक्वल टू 18। तो यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 गए, ये कितना बचेगा 10y और ये हो जाएगा 20। तो y की वैल्यू बच्चों निकल जाएगी कितना 2 एम्पियर। हमें चाहिए x। सो इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो x इक्वल टू 8 यानी कि दिस इज राइट आंसर। यानी कि वोल्ट मीटर रीडिंग क्या हो आपका एमीटर रीडिंग क्या होगी एमीटर रीडिंग हो जाएगी बच्चों रीडिंग इक्वल टू 8 एम्पियर। दिस इज द राइट आंसर। ओके, अब हमें वोल्ट मीटर रीडिंग भी निकालनी है। तो वोल्ट मीटर रीडिंग के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखो स्टार्ट करेंगे हम किससे, पी से, स्टॉप होंगे हम क्यू पर। तो चाहे तो इस तरीके से घूम के आ जाओ और चाहे इधर से घूम के आ जाए, तो यहाँ से चलेंगे तो क्या मिलेगा 10y प्लस का, फिर प्लस का कितना 6 वोल्ट। तो स्टॉप हो जाएंगे 6 वोल्ट। वाई की वैल्यू हम निकाल चुके 2, तो 10 × 2 प्लस 6 तो ये आ जाएगा 26। तो यहाँ पे मिलेंगे हमें 26 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर और दिस इज द वोल्टमीटर रीडिंग। थैंक यू।